कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है। सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से और आज ये चर्चा इस सदन में करने का कारण इसीलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है। और सर, इसी में मैं आग्रह करूंगा हमारी केंद्र सरकार से कि वो इस विषय पे हस्तक्षेप करे और सर, आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी कानून है उसको वंस एंड फॉर ऑल 9वीं सूची में डालने का काम करें, ताकि समय समय पर रह रहकर जो आरक्षण के ऊपर लोग न्यायालय जाकर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन, सर मुझे 2 मिनट और चाहिए। सर, आप मुझसे मिले थे, आपने कहा था कि मैं विषय उठाना चाहता हूं। आप मुझसे मिले थे, आप विषय उठाना चाहते हैं? नो, गलत, नो। अर्जुन जी, हाँ, जाए, ताकि समय समय पर सर आरक्षण को लेकर जो लोग न्यायालय चले जाते हैं वो वंस एंड फॉर ऑल वो डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लागू किया गया, पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 नवंबर 1992 को। सर, 2 मिनट, सर, 2 मिनट।